देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आदाब, मैं अफजल अहमद एनबीडी न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आदाब एनबीडी न्यूज से, मैं रजाली जाफरी। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एनबीडी के न्यूज ऑफिस पर और यहाँ पर एक नई टीम गठित की गई है एनबीडी न्यूज़ के संपादक इस्तखार हुसैन जैदी द्वारा। आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। आइए, जो टीम बनी हुई है उनसे भी हम मालूम करेंगे कि इनका पत्रकारिता में आने का मकसद क्या है और आगे किस तरह से ये पत्रकारिता करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मैं कमाल हसन अंसारी, एनबीडी न्यूज़ सहारनपुर से। एनबीडी न्यूज़ में आने का आपका मकसद क्या है? देखिए, एनबीडी न्यूज़ के में आने का पत्रकारिता से जुड़ने का मकसद यह है कि जो भी पत्रकार लोगों के समस्याएं हैं या उनकी कोई भी किसी तरह की पब्लिक की समस्या है या कोई भी जन समस्या है उसको उजागर करना और साफ सुथरी पत्रकारिता से लोगों की समस्याओं का समाधान कराना। इससे पहले भी आप किसी और चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में काम करते थे? हाँ, इससे पहले भी एक चैनल में काम किया है, उसके बाद भी और अभी भी आगे काम करने की इच्छा। ठीक, आप नाम बताइए। मेरा नाम सलीम अहमद, एनबीडी न्यूज़ से, मैं सहारनपुर से। जी, आप अपने विचार बताइए कि किन विचारों को लेकर आप एनबीडी न्यूज़ में काम करने के लिए आए हैं? देखिए, जैसे कि अभी हमारे साथ ही कमाल हसन अंसारी ने जो है बात बताई है, मैं भी यही बात करूँगा कि हम सब का एक ही मकसद होना चाहिए कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसे बहुत साफ़ सुथरे ढंग से वो उसका समाधान मतलब जो है निकाले और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो शासन प्रशासन तक उसको पहुंचाएं। आप नाम बताइए। मैं अब्बास काजमी, एनबीडी न्यूज़ से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं एनबीडी न्यूज़ में? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि नई गठन हमारा हुआ है और टीम हमारी बहुत अच्छी, सारे बहुत बढ़िया बढ़िया टीम में आए हैं और अब मैं ये करूँगा कि हम भी जितने भी है समस्या सब पूरी हो सके हमारी। आप बताइए अपना नाम। मोहम्मद इस्तखार, एनबीडी न्यूज़ से। आप किस पद पे कार्यरत हैं? मैं कैमरामैन। तो आप किस तरह से कार्य करेंगे? आप जैसे करता है दूसरे चैनल पे। कौन से चैनल में करते थे इससे पहले? कौमी मंजर में। तो इसमें आने का मकसद क्या है आपका? सर, मान सम्मान मिलना है। तो उधर मान सम्मान नहीं था? था उधर भी, लेकिन जब तक लग के हमारे सर के हाथ में था, मंजर हुसैन कादमी के हाथ में, तब था, अब नहीं है। आइए, हमारे बीच एक हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए नाम। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। मोहम्मद जमाल, आप एनबीडी न्यूज़ में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है इस एनबीडी न्यूज़ चैनल में आकर के। हम इस चैनल के ज़रिए लोगों की जो जन समस्या है उसको एक सच्चाई के साथ उजागर करेंगे और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य हमारा रहेगा और ईमानदारी और सच्चाई के साथ इसमें हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ये एनबीडी न्यूज़ की नई टीम जो गठित की गई है, हमने इनसे विचार पूछे हैं और आपके सामने जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं यही के अच्छे से काम करेंगे और लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाना कार्य करेंगे। एनबीडी न्यूज़ से, मैं रजाली जाफरी।